ये जगह मिलेगा सत्संग में और शमशान में, दुई जगह सच्चा ज्ञान मिलेगा। सत्संग में जाए तो जीवन जिए के शैली बताओ जाला, और शमशान में लोग जाला आ जरत चीता देखे लगे तो बहुत ज्ञान खुल जाला, देख दुनिया में का बा का कावई ले कमई ले खई ले हाथ पसार के गोई। अब भाई से लड़ के मेरे धर्म खातिर, लेकिन शमशान में जाइए तो बहुत ज्ञान खुल जाई, आ जहां शमशानवा से फिर बाहर भई ले फिर भाई से केस उतने चली उठाए में का फिर माया में फंस गई। फिर नीचे बैठे से रहो लो सोची मत, और कुछ माता बन लो ने बैठल पर कुर्सी पर चौकी पर कि हमने के जा को ये नीचे बैठी सा आहा ये देहिया के जान तनी एक दिन का होई तीन पर एक दिन अरे पाठी ए मैं तो हरे एक दिन हे माटी ए मैं तो हरे अरे तुलार होई रे जहिया हे पिंजरा से सुगना फरार होई रे जहिया पिंजरा से सुगना हमारा शब्द पर ध्यान दे। एक दिन माटी है सब का, एक दिन माटी है सब का दुलार हो ईर जहिया पिजड़ा से सुनना हजार हो ईर जहिया पिजड़ा से सुनना अरे हजार हो ईर जहिया पिजड़ा से सुनना। एक दिन माटिए में सब कर दुलार होई दुनिया के ये वो माई काली जवन माई जवन माई आपन माई भी जमे कर के ये आपन माई भी जमे कर से आशा पूर्ण ले ली वो कहल की हटाओ तो ये जब दुनिया के लोग निगलेट कर देला इहे वो माई गाड़ी के लास्ट में अपने गोद में लेकर सुता ले ली। अगर यो माई माइग्नेट कर दे तो शरीर वगैरह के पूछी इहे वो माई गाड़ी कि दुनिया के लोग जब एक त्याग दिला तो लास्ट में इहे माई गाड़ी के अपने गोद में सुता ले ली। ध्यान देव हमारा बात को तो माटी से घिरना ना माटिए पर चलता माटिए पर माटिए से आहार मिलता अब माटिए पर मिल जाएगा अब माटिए के शरीर है। एक आदमी घड़ा से पूछ ले कि घड़ा तुम इतना ठंडा क्यों रहते हो तो घड़ा बोल लो क्यों ना ठंडा रहूं जिसका अस्तित्व ही माटी का है जिसका अस्तित्व ही माटी का है वो ठंडा ना रहे तो क्या करे क्योंकि माटी का हूँ अब फूटूंगा उस दिन भी मैं माटी में मिल जाऊंगा। ध्यान देवे को हमारा बात पर अरे राम नाम सत्य है ध्यान दे ए बरे राम राम कहा था तो कहे से लोग को भी जिका बता है राम नाम सत्य है सब लोग बोली अरे पिघल पाल फूल लोग नहीं आस खोली जहां मैं कपड़वा के हम बचाव तनी कि नीचे बोल जब दिन माटी लग जाई तनी हमारे बुद्धिया पर ध्यान दिया राम नाम सत्य है सब लोग बोली अपने दिल पर तुम लोग ते ही ऐसे बोली माई बाप नहीं हूँ माई बाप नहीं हूँ तहार हो वीर जहिया सुगनाई पिजड़ा से हरार हो वीर जहिया सुगनाई पिजड़ा से I'm gonna make you mine.
यही से कहे के बाद कि चार जना मिल के तोहके उठाई है आले जाके जाऊं दिन में मर सम कहिले कि तहर सोचला सपनवा तहर सोचला सपनवा बेकार होई रे जहिया बिजड़ा से सुगना अरर होई रे जहिया बिजड़ा से भजन अच्छा लगल होगा तब ताली बजाई तो जरा बुझा नीचे रोगालो ना बैठे कहीं माता बहन लोग बैठल चौकिए पर बैठे ऊंचा ऊंचा सब चले नीचा चले न कोई एक बार जो नीचा चले उस सौ बार ऊंचा ध्यान देवे नीमन के पहचाने खातिर बाउर को भल जरूरी है बाउर दुगो होई तब ना नीमन के पहचान होई के मेरे चार आदमी में नीमन के बा रउवा रउवा कबर जाई यहां लोग कोनो गरीब घर का ना है या नीचे बैठल मानी और रउवा लोग कोनो हथुआ के राजा के घर का ना है जो जो बैठल बानी सब एक बराबर सब इंसान एक समान सब जन्म एक रास्ता से और सब जाई एक रास्ता से सबका माटी में जाए के भाई बात नहीं करे कि हमर बाबूजी राजा बने तई करे के आसमान में ले चलो अपना रे हैं हो वही जगह ये जाए वो गरीब जाई जहां वो राजा जाई जहां वो भिखारी जाई अब आई तनी कथा सागर के तरफ तनी से बोलिए मेन के बड़ा बड़ा परसों हमर वालों के कथा सुनौले रहे जब राजा दक्ष के लड़की सती रही अपना बाबूजी के घर जाके आत्महत्या कर जर जर मर गए लेकिन मरत समय पति पत्नी के प्रेम सात जन्म के हो गया छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथ ही मरते दम तक आई यही जन्म में लोग झगड़ा करता तो कहता हां दे तारा वैसा मरत सात जन्म न मत ए भगवान ही कौन बात बोल सती माई अगला जन्म में राजा हिमांचल के घर राजा हिमांचल के धर्म पत्नी के नाम मैना रानी रहे वो मैना रानी के गर्भ से सती माई के जन्म होता राजा हिमांचल के मेहरारू के नाम मैना रानी रहे वही मैना रानी के गर्भ से सती माई के तुषार का जन्म होता तुषार का जन्म जहां उनका नाम पड़ता पार्वती तो पार्वती नाम काहे पर्वत राज के पुत्री रहली ऐसे उनका नाम पार्वती पड़ल गोरा रहली ऐसे उनका नाम गौरी पड़ल अब उनका नाम उमा को पड़ता आगे कथा में बताए विचार कर आज राजा हिमांचल के घर में एनी टाइम हसल थी को ना द्रौपदी बिना मतलब के हसल होली तो महाभारत हो गया नावती बरसा ना पिछू नावती ना जी ठंडा नावती दूर ऐसे हर समय हसल थी ठीक ना द्रौपदी बिना मतलब के हसली तो महाभारत हो गई ऐसे कहाँ हंसे कबा कहाँ नहीं क्या हंसे कहीं हो लेके कबा हमारा बात पर ध्यान दो ऐसे आज इतना लोग बैठल बात नहीं वो हमारा बात पर ध्यान दे राजा हिमांचल के घर में बेटी के जन्म भई बा बेटी के और राजा कितना खुश बड़े बेटी के भइला और धान सोना चांदी हीरा मोती बेटी के भइला के खुशी में लुटावत है जे ही हो तब करे करे का हो तर का हो आता हमारा घर बेटी के जन्म भइला कैसन समय रहे कि बेटी के भइला में अंधम लुटावल गई आई वो ये हूँ मेरा के समय में अगर ये मेरा घर में बेटी जन्म ले ले उन्हें तो कर बाबूजी के मुंह की ओर ताकि ना बुझाई जब फेनाइल के गोली खाने लगा
अरे प्यारे, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। बेटी न होती तो ये सृष्टि न होता। प्राकृति के स्वर भूमि पे विस्तार पड़ा है नारी का। इस जल के ऊपर पहले पहल प्यार पड़ा है नारी का। नारी को नहीं दुर्बल जानो, नारी आदि भवानी है। नारी दुर्गा, नारी लक्ष्मी, नारी ही चंडी रानी है। सत्यमान को मिली थी नारी, नया जीवन अपनाया था। चरण पकड़ के तुलसीदास ने गुरु मंत्र बनाया था। नारी पे लुट गए कौरव, कृष्ण दिए पांडव के साथ। दशरथ जी तन छोड़ चले, समझ न पाए नारी के बारे। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। इतना लोग बैठे हैं ना, बेटी बेटी जब घर में जन्म लेती है ना, इतना लोग बैठे हैं। बेटी जब घर में जन्म लेती है, पांच चीज लेकर आती है, पांच चीज लेकर आती है, प्रेम, खुशी, उत्साह, लक्ष्मी और शक्ति। शक्ति देखिएगा, बेटी जब थोड़ा बड़ी होती है, सब पूरे परिवार को एक प्रेम के धागा में बांध कर रखती है। दौड़कर बाबा को पानी देना, दौड़कर पापा को पानी देना, दौड़कर मम्मी को खाना, सबको एक प्रेम के धागे में बांध कर रखती है। और बेटी का जब शादी तय होता है, घर में उत्साह कितना होता है कि बिटिया का शादी तय हो गया, सब लोग तो उत्साहित रहते हैं। लेकिन बाप, लड़की का बाप जब शादी तय करके आता है, उदास होकर घर में बैठ जाता है। लड़की आकर पूछती है कि आप पिताजी, उन लोगों ने दहेज में ज्यादा मांग लिया क्या, आप उदास होकर क्यों बैठे। बाप कहता है बेटी, अरे तुम्हारे लिए तो लोग मेरा करेजा भी मांग दे तो मैं दे दूं। मैं दहेज के लिए उदास नहीं बैठा हूं, मैं तो इसलिए उदास बैठा हूं कि आज के दो महीने बाद तू ये घर छोड़कर चली जाएगी। बेटी ऐसी होती है ना, बाप पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बेटी अपने बाप का ख्याल रखती है। बाप पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बेटी अपने बाप का ख्याल रखती है। कहीं से दौड़ के आने के बाद पूछती है, पापा जी खाना लाए, पानी लाए। बेटी का पता नहीं, जब शादी तय होता है ना, बाप के शरीर में शक्ति कहां से आ जाता है। जब से शादी तय हुआ तब से बाप कभी थकता नहीं है, दिन दिन भर मेहनत करना, मजदूरी करना। लेकिन ज्यों ही बेटी का विदाई हुआ, ये पांचों चीज घर से चला जाता है। लक्ष्मी भी चली जाती है, प्रेम भी चला जाता है, उत्साह भी चला जाता है, अरे यहाँ तक कि पाप के शरीर से शक्ति भी चला जाता है। विदाई के बाद कोई जाकर लड़की के बाप से बात करे, लड़की के बाप एक ही बात कहता है, यार मत बोलो, मत बोलो, बिटिया चली गई, अब मेरे पास बोलने का भी शक्ति नहीं रह गया। जे जहाँ बैठल हुआ बैठे दिया जाओ, विशेष व्यवस्था मत कर जाओ, कथा प्रारंभ हो गई। अभी मैं खरमंडल खरमंडल होत रही तो फिर कथा में आनंद ना आया। जे जहाँ बैठ गई वो बैठ गई, जिकरा नाद रूप पर बैठे गए तो पहले ही गादा खोज ले रहे। पैसे ध्यान दे जा। लेकिन आज के लोग से पूछे के चाहता नहीं, अरे बेटा भइला पर बाजे सो रहो बजनवा, अरे बेटी भइला पर दुखित मनवा हो बोल काहे, अरे बोल काहे, अरे तो काहे गर्भ में मारल जा जा जनवा हो बोल काहे। अरे बेटा भइला पर बाजे सो रहो बजनवा, बेटा भइला पर बाजे सो रहो बजनवा, अरे बेटी भइला पर दुखित मनवा हो लगाए काहे काहे काहे, तो काहे गर्भ